क्या आपके चेहरे में पिंपल का दाग जल्दी से नहीं जाता है? क्या ये पिंपल का स्पॉट बहुत जिद्दी है, जितना भी ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी ये स्पॉट या स्कार क्लियर नहीं होता है? तो शायद आपका ये एक्नी एक्सकुरी हो सकता है, जिसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। इसको एक्नी एक्सकुरी या पिकस एक्नी बोलते हैं। ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पिकस एक्नी ज्यादातर ये लड़की लोगों में पाया जाता है, जिसका उम्र 12-15 साल से ज्यादा होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये, लेकिन कोई भी उम्र में देखने को मिल सकता है। किनको ज्यादा होता है? जिनका ज्यादा स्ट्रेस होता है, जो लोग ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको ये होता है। तो कैसे दिखता है ये? जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, वैसे चेहरा में पिंपल यानी जिसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रहता है, या पोस्टुल्स रहता है, पैपुल्स रहता है, ये देखने को कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे दाग धब्बे ज्यादा देखने को मिलता है, ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है, और ज्यादातर स्क्रैच मार्क यानी लगता है कि कोई नाखून से नोच दिया है, तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इन पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेस रहता है, इसीलिए ये लोग अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए नाखून से अपने पिंपल को, एक्नी को दबाते रहते हैं, नोचते रहते हैं। मिरर के सामने इनका ज्यादा टाइम बीत जाता है। नॉर्मली एक्नी तो बहुत कम रहता है इनमें, लेकिन ये नोच नोच के इसको बहुत सीवियर कर देते हैं। जहाँ पे ये घाव होता है वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे ये घाव और बड़ा हो गए और बड़ा बड़ा दाग धब्बे हो सकता है और स्कार भी छोड़ सकता है। जो गड्ढा गड्ढा स्कार होता है ना पिंपल का, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए ये लोग मानते भी नहीं। इनको पता है कि ये नोचने के वजह से हुआ है, लेकिन ये ज्यादातर एडमिट नहीं करते। जब भी आप उनको पूछेंगे आप क्यों ऐसे नाखून से दबा रहे हैं, बोलेंगे नहीं हम तो नहीं दबा रहे हैं। डॉक्टर पास जब भी जाएंगे वहां भी बोलेंगे नहीं हम तो नहीं दबा रहे हैं, लेकिन ये नाखून से नोच नोच के ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जब आप अपने स्किन के डॉक्टर पास जाते हैं, वो देख के डायग्नोसिस कर लेते हैं। जब भी ऐसा फोटो देखने को मिलता है आप भी इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक्नी एक्सकुरी है या पिकस एक्नी है। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट होता है काउंसलिंग, यानी पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपके नाखून के वजह से हो रहा है, आप उसको दबा रहे हैं इसके वजह से हो रहा है। इसका कोई अंदरूनी स्किन बीमारी के साथ लिंक नहीं है या इंटरनल बीमारी के साथ लिंक नहीं है, ये आपका मेंटल प्रॉब्लम है, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो आप अपने स्ट्रेस को कम करिए, यानी उसमें आप योगा करिए या कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, अपने आप को बिजी रखिए, मिरर के सामने आपका ज्यादा टाइम मत बिताइए और नाखून से इसको मत नोचिए, तब अपने आप ये ठीक हो जाता है। अगर किसी का बहुत सीवियर स्ट्रेस है और ये काउंसलिंग से नहीं जाता है, उस केसेस में एंटी साइकोटिक मेडिसिन या एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन दिया जाता है, जिसमें फ्लुजेटिन, पैराजेटिन, ओलांजापिन, ऐसे बहुत सारा दवाई आता है जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं वो देते हैं, नहीं तो आपका स्किन का डॉक्टर भी आपको ये दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका स्किन का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपका डॉक्टर, आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, आपका कितना ग्रेडिंग का एक्नी है, यानी कॉमेडेंस है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2, जिसे पैपुल पोस्टुल से या कोई ज्यादा सीवियर नोडुलर सिस्टिक हो गया, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर पिंपल बहुत कम है तो लगाने के लिए क्रीम दिया जाता है, जैसे कि आपका अजेलिक एसिड आता है, बेंजोइल पेरोक्साइड आता है, रेटिनॉल आता है, तो इसमें ठीक हो जाता है। और पिंपल के साथ साथ इसका जो पिगमेंटेशन है, जो दाग धब्बा है, उसको मिटाने के लिए डॉक्टर आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, अजेलिक एसिड, आर्बुटिन, टेरोवाइट, बिटाइट, सेबुवाइट, ऐसे बहुत सारे स्किन लाइटनिंग एजेंट आता है, जिसमें ट्रैनेक्समिक एसिड भी आता है, वो भी आपको दे सकते हैं। ये लगाने से आपका दाग धब्बा धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपको कोई जल्दी है या नॉर्मल क्रीम से जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उस केसेस में डॉक्टर आपको केमिकल पिलिंग का ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल सेशन लेना पड़ता है, उससे आपका स्किन बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ लेजर ट्रीटमेंट भी आप करा सकते हैं, पिगमेंटेशन के लिए क्यूसिस लेजर इफेक्टिव होता है। और ये पिगमेंटेशन के साथ साथ अगर बहुत सारा स्कार हो गया है, गड्ढा गड्ढा हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको बहुत सारा प्रोसीजर सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर आइस पिक स्कार है, वहाँ पे TCA पील किया जाता है, जिसको TCA क्रॉस पील बोलते हैं, नहीं तो डर्मा रोलर ट्रीटमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर ट्रीटमेंट होता है, सब्सिजन होता है, ऐसे बहुत सारा स्कार का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। वो आपका डॉक्टर आपको देखने के बाद सिलेक्ट करेंगे कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। और एक दवाई होते हैं N-acetylcysteine, इससे भी आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होता है और एक्नी एक्सकुरी का जो प्रॉब्लम है कम होता है। तो ये था डिटेल्स में एक्नी एक्सकुरी के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलता है, आप इसको इस वीडियो शेयर करिए। अगर आपको कोई नया टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, इसका वीडियो हम बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।